हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि बूटेबल को पेन ड्राइव कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनती है। सबसे पहले हमें जाना है क्रोम पे। क्रोम को ओपन करेंगे, इसके ऊपर लिखना है हमें रूफस, रूफस डाउनलोड। ये हमारी पहली साइट खुल गई है, इस पर क्लिक करना है। देन हमें यहाँ से डाउनलोड करना है। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फाइल ओपन हो चुका है। अब पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें और पेन ड्राइव को फिर फॉर्मेट मारेंगे। पहले ये हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। अब यहाँ से हमें पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है, जो भी पेन ड्राइव है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमें यहाँ से जिसका भी विंडो का बूटेबल बनाना है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमें इमेज फाइल सिलेक्ट कर लेनी है विंडो की। हम 7 विंडो की बूटेबल बना रहे हैं, तो यहाँ से 7 इमेज फाइल सिलेक्ट कर लिया। देन हमारा स्टार्ट, ओके ओके। तो ये हमारा बूटेबल बनना स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी वीडियो बूटेबल हो रही है पेन ड्राइव। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है। अब यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। हम देखते हैं अब यहाँ पे हमारी विंडोज 7 की बूटेबल बन चुकी है। अब इससे हम किसी भी सिस्टम में विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको आगे इससे भी कोर्स करना है लैपटॉप रिपेयरिंग का, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप विजिट कर सकते हैं, चिप लेवल, कार्ड लेवल पे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।